हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम टू बी एडू के सीमएच लॉसीट थ्री ईर्यस टू थाउजेंड ट्वेंटी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है राइट गाइस एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है कौन सा रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट लगने वाला है अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशनल कैटेगरी कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट अगर आप रिस्पेक्टिव कैटेगरी से बिलोंग करते हो भाई एस कैटेगरी से हो एस से हो ओ इवन एस या फिर ईडब्ल्यू के थ्रू भी ट्राई करना चाहते हो तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं कैसे आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो और कब आपको वो अपलोड करना है डी प्रूफ में किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को पिक कर सकते हो और कौन से अदर डॉक्यूमेंट्स लगने वाले वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो भी आपके डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना चाहे आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो या इवन ओ भाई डॉक्यूमेंट्स तो हमें इंपॉर्टेंट लगने वाले हैं सो दिस इज द राइट टाइम टू मेक ऑल योर डॉक्यूमेंट्स रेडी विथ यू क्योंकि कैप राउंड में अगर आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को पिक नहीं करोगे और उसे वहां अपलोड नहीं करोगे तो भाई आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है सो so ध्यान रखना है इस बात को एंड बिफोर मूविंग फर्दर वी हैव वीट The Aram Live Batch for Maharashtra CET Law 2024, जो एक Online Batch है, 7 to 9 AM, 5 to 6 days per week, Unlimited Recording Access मिलने वाला है till Exam Date. That means आप कितनी बार भी उन particular videos को देख सकते हो, अपने सारे doubts enlist कर सकते हो, and you can ask all your doubts in the live class through voice and chat support. And in case all those candidates भई आपको Marathi में preparation करना है, then Marathi में भी आप हमारे साथ preparation कर सकते हो बस आपको क्या करना है इस नंबर पर कॉल करना है लेक्चर विल बी इन इंग्लिश मोड दैट मीनस इंग्लिश एंड हिंदी यू विल गेट कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम लेवल क्वेश्चन स्ट्रैटेजीज एंड इवन यू विल गेट द टिप्स गाइस कैसे आप 120 प्लस स्कोर अचीव कर सकते हो पूरी स्ट्रेटेजी आपको मिलने वाली है एट बी एड एंड यू कैन सी ऑल दी पॉडकास्ट जहां स्टूडेंट्स ने वन ट्वेंटी इवन 120 प्लस काफी अच्छा स्कोर किया है आप उनकी भी स्ट्रैटेजीज देख सकते हो यू विल गेट कंप्लीट गाइडेंस फ्रॉम

रुपीज फाइव हंड्रेड एंड कैप कोर्स ऑफ रुपीज टू हंड्रेड ई न्यूज हाईलाइटर्स ऑफ रुपीज टू हंड्रेड प्लस वीकली सी ए वीडियो करंट अफेयर की वीडियोज आपको चैनल पर मिल रही है जिसे आपको देखना है ताकि आपका जीके एंड करंट अफेयर का सेक्शन काफी इजिल से अटैम्प्ट हो जाए सो गाइज लिमिटेड टाइम ऑफर है फी फॉर थ्री ईयर इज ऑनली फाइव थाउजेंड नाइन नाइनटी नाइन हाउ यू कैन ज्वाइन देन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इवन आप इस पर्टिकुलर क्यूआर को स्कैन कर सकते हो जो भी आपके डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा आगे बढ़ते गाइस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या आप परसू कर रहे हो एल प्रोग्राम देखो गाइस एल एल बी को लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना ध्यान में रख लो कि एलिजिबिलिटी इश्यू बिल्कुल नहीं है हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी ये बात चल रही है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी लॉ एक्सपीरियंस के लिए अगर वो सक्सेस हो जाता है देन आपको यह ध्यान में रखना है कि ओपन कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगी 30 इयर्स एंड एस सी एस टी के लिए ये हो जाएगी 35 इयर्स लेकिन हालांकि इस पर अभी भी कोई फैसला नहीं आया है, तो आप इलिजिबल हो चाहे आपकी कोई भी एज हो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड लाइक एस एस सी टेंथ मार्क्शीट एच एस सी डिप्लोमा मार्कशीट क्वालिफाइंग एग्जाम मार्कशीट अगर आपने यू जी किया है उसकी मार्कशीट पी भी आप एज ए एलिजिबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हो सो so अगर आप पी भी सेलेक्ट कर रहे हो तो यू एंड पी दोनों के डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले सीई टी मार्क्शीट स्कोर कार्ड ऑब्वियसली आप एग्जाम देने वाले हो स्कोर कार्ड आ जाएगा उसे आपको अपलोड करना होगा लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कब है खासकर इन सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है आपके कैप राउंड में और इस वीडियो को बनाने का मोटो ये है कि ताकि आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिल चुका है और इस पर्टिकुलर टाइम में देखो इस एग्जाम हो जाएगा आपका मार्च में राइट अब एग्जाम के बाद अगर मे फर्स्ट वीक में भी या फिर अप्रैल एंड में अगर कैप राउंड स्टार्ट भी हो जाता है तो आपको काफ़ी कम टाइम मिलने वाला है डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए सो so भाई डॉक्यूमेंट्स अभी से बना लो अप्लाई कर लो हो सकता है थर्टी डेज में वो डॉक्यूमेंट आए हो सकता है फोर्टी डेज और फोर्टी फाइव डेज हो जाए या फिर अगर डॉक्यूमेंट्स आ भी गया उसमें कुछ मिस्टेक है तो आप उसे करेक्ट भी कर सकते हो ठीक है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्यों आपके पास होना चाहिए बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है काइस यहाँ अगर आपकी प्लेस ऑफ बर्थ मैंशन है तो भाई आपको ना तो बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा और ना ही आपको लगने वाला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड इवन अगर यहाँ नेशनैलिटी इंडियन मेंशन है तो भाई आपको नेशनलिटी डॉक्यूमेंट भी नहीं लगने वाला है ओके इवन फोर इयर्स का ग्रेजुएशन है।, है तो भाई एट की पूरी मार्कशीट लगेगी ये आपको ध्यान में रखना है सो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशनल कैटेगरी अब आते हैं भाई मेन कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स अगर आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो ओपन कैटेगरी से तो टाइप ए टाइप बी टाइप सी डी एंड ई e से बिलोंग करते हो तो आपको ये सारे रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं टाइप ए बी सी डी ई e, क्या होता है इसको लेकर मैंने बड़े मजेदार तरीके से एक शॉर्ट वीडियो बनाया गाइज उसे जरूर देखना आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे गाइज नाउ टाइप ए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट या फिर लिविंग सर्टिफिकेट ठीक है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर अगर प्लेस ऑफ बर्थ मैंशन है तो भाई बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं और ना ही डोमिसाइल की जरूरत है टाइप बी अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके फादर और मदर के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है दैट इट्स ओके टाइप सी सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द प्रोफोमा ए स्टेटिंग दैट द फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट इज एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओके पोस्टेड इन महाराष्ट्र दे आफ्टर टाइप डी अगर आपके मॉम या डैड महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है टाइप ई e, से बिलोंग करते हो तो सर्टिफिकेट एंड कास्ट और ट्राइब वेलडि सर्टिफिकेट यह आपके पास होना ही चाहिए एस टी कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट एंड ट्राइब वेलिडिटी सर्टिफिकेट एससी कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वेलडि अगर आप विजे डी टी नोमैडिया ट्राइब्स ए बी सी डी ओ बी सी या एस बी सी से बिलोंग करते हो तो आपके पास तीन डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरी है फर्स्ट द कास्ट सर्टिफिकेट सेकेंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड थर्ड नॉन क्रिमिलेट सर्टिफिकेट वैलिड अप टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव ये आपको ध्यान में रखना है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ऑल अदर दैन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट भाई आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वही लगने वाले हैं जो एक ओपन कैटेगरी कैंडिडेट के लिए लगने वाले हैं वो क्या होंगे सो so आपको लगने वाले हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड कुछ पर्सनल आईडी प्रूफ ओके एंड इफ अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र नहीं है लेकिन आपकी पढ़ाई पूरी महाराष्ट्र में हुई है तो भाई टाइप ए बी सी डी ई से भी आप अप्लाई कर सकते हो ये ध्यान में रखना है और महाराष्ट्र स्टेट के थ्रू आप टारगेट कर सकते हो मतलब महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट बनकर ओके okay, अब बात करते हैं कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स को लेकर विच आर द अदर डॉक्यूमेंट्स यू विल रिक्वायर्ड सो वेरी फर्स्ट वन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यू एस यहां आपको बनाना है इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बना सकते हो तहसीलदार के ऑफिस में विजिट कीजिए वहां से आप अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हो आपकी जो नेट इनकम है वो एट लाख रुपीज से कम होनी चाहिए दैट मीनस योर फैमिली ग्रॉस इनकम वन ईयर की उसके बाद माइनॉरिटी कैंडिडेट अगर आप रिस्पेक्टिव माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो रिलीजियस माइनॉरिटी या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से और अगर आपके लिविंग सर्टिफिकेट पर मेंशन नहीं है आपकी माइनॉरिटी तो भी आपको प्रोफॉर्मा ओ बनाना होगा या फिर वो रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट बनाना होगा और आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट होने चाहिए ओपन कैटेगरी ठीक है सो so, और कौन से अलग डॉक्यूमेंट्स बस बढ़िया सी स्माइल के साथ आपका फोटो होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो उसके बाद आप अपना आधार कार्ड अपलोड कीजिए जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो मेक श्योर कि भाई यहाँ नाम आपका प्रॉपर है बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है सेम जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा भाई ये डॉक्यूमेंट लेकर जाना और फिर आप एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि गाइज देखो आपका जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है उसका एक फॉर्मेट होता है खासकर महाराष्ट्र बोर्ड को लेकर यहाँ क्या होता है कि आपका सर फर्स्ट होगा उसके बाद आपका नाम होगा नेम एंड आफ्टर फादर नेम होगा ठीक है लेकिन आपके जो पर्सनल आईडीज़ होते हैं इसमें कैसा होता है कि आपका नेम होता है द आफ्टर फादर नेम एंड द आफ्टर सर नेम इस प्रकार होता है लेकिन वो मैच कर जाता है लेकिन डॉक्यूमेंट प्रॉपर रहे नेम में बिल्कुल मिस्टेक ना हो वो ध्यान रखिएगा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे कब एप्लीकेशन के समय नहीं लेकिन आपको ये सारे अपलोड करने हैं कैप राउंड के समय और इसीलिए मैं पहले बता रहा हूं ताकि आप अभी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बना लो काइज आपले सरकार एक बहुत बेहतरीन पोर्टल है उस पर विजिट कीजिएगा ठीक है आप देखोगे कि उसका नाम कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है आपले सरकार यहाँ विजिट कीजिएगा आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो विद इन फिफ्टीन डेज विद इन ट्वेंटी वन डेज विद इन थर्टी डेज आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएंगे ओके दैट्स ऑल फॉर माय साइड जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा एंड इन केस वन ऑफ प्रिपरेशन आप हमारी लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो दी आराम लाइव बैच फॉर ऑनलाइन कोर्सेज एंड अगर आप मुंबई बेस हो देन यू कैन ज्वाइन अस एट डोंबिवली घाटकोपर एंड दादर फॉर ऑफलाइन लेक्चर्स और भाई पैन इंडिया स्टूडेंट्स you can interact live with us don't forget to download our app where you will get free mock and free resources and for all the updates and notification follow us on youtube facebook insta and telegram that's all from my side all the best for your career see you in the next video